हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। आज हमारे सुपर रिविजन सीरीज का 14th लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इस सीरीज के 130 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं, जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो ये 130 क्वेश्चंस देखिए। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से 3 स्टार क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है, वो सब मैं साथ में बताते हुए चल रही हूँ। तो आप ये सीरीज पूरी फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन जो है उसका परसेंटेज 100% हो जाता है। ठीक है, आपको 100% सिलेक्शन होने वाला है अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको सॉल्व करने की। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमें? ऑन सिंप्लीफिकेशन 641664 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो बोल रहा है वो करना है, 641664 है, इसमें डिवाइड करना है 16 से। यही बोल रहा है बेटा आपको? ठीक है, देखिए इसमें डिवाइड करना है 16 से। चलो डिवाइड करते हैं, 641664 16 से डिवाइड, 16 4 जा 64 कैंसल आउट हो गया। यहां से हमने ये 1 भी यहाँ उतारा और ये 6 भी यहाँ उतारा, दो डिजिट उतारी है हमने नीचे, और दोनों में डिवाइड करना है। 6 1 जा 16 जाएगा, तो क्या डायरेक्ट 1 से डिवाइड कर दे? नहीं, पहले 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दो डिजिट में एक साथ डिवाइड किया। फिर 16 1 जा 16 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से ये वाला 6 यहाँ उतार लेंगे और ये वाला 4 यहाँ उतार लेंगे, 64। फिर से 4 टाइम्स जा रहा है लेकिन पहले 0 आएगा क्योंकि दो डिजिट में एक साथ कर रहे हैं हम। 16 4 जा 64। आंसर क्या आया हमारे पास? हमारे पास आंसर आया 40104। क्या आया हमारे पास आंसर? 40104। कौन सा ऑप्शन समझ हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट आंसर। जब भी हम किसी दो डिजिट में एक साथ डिवाइड करते हैं बेटा तो वहां 0 लगाते हैं पहले हम लोग अपने भागफल में या फिर क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, 6 के पहले 5 मल्टीपल्स। तो बोला था कि अगर 6 की टेबल आती है तो आप इसके मल्टीपल्स बता देंगे, क्योंकि मल्टीपल्स जो होते हैं बेटा वो टेबल में आने वाले नंबर्स होते हैं, है ना। तो 6 के पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 6 into 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 5 ही पूछ रहा था आपसे। तो टोटल 5 मल्टीपल्स आ गए हमारे, इन सबका सम बोल रहा है करने को। तो चलो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 13, ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे बेटा तो आपको मिलेगा कितना? 90। तो कितना आता है सम? 90। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। क्या पूछ रहा है? डेसिमल ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, इसका डेसिमल में आंसर पूछ रहा है। देखो ये रही इक्वेशन, क्या बोल रहा है आपको? 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सबका क्या आएगा? 100। 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। और फिर 25 को 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 75। आगे प्लस से प्लस लगा दो, 5 में 100 से सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड, 20 टाइम जाएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। आगे देखो, 25 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। क्या क्या आपके पास आया? 75 प्लस 80 प्लस 32 अपॉन 100, ऐड कर लो, 75 80 32, कितना आएगा बताओ? यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 18, है ना। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 187 अपॉन 100। अब नीचे 2 0 है, इसका मतलब ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगी, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल आएगी 1.87। अब 1.87 को आप 1.87 भी लिख सकते हो, आप डेसिमल के बाद 0 भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ 0 आ सकता है लास्ट में, ये भी लिख सकते हो, और 0 भी ऐड कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये सब बराबर चीज है, ये सब एक ही बार में बात होगी। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा? देखो ऑप्शन नंबर ए, 1.870, ये जो मैंने यहाँ लिखा था 1.870, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या देखो क्या बोल रहा है आपको? 3.65 into 0.5, 3.65 into 0.5 इज इक्वल्स टू 1.825। आगे बोल रहा है 365 into 0.5 का बताओ कितना होगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो सीधा, और नहीं तो मुझे दिख रहा है कि 3.65 365 बन गया, 3.6 का डेसिमल उड़ गया और ये अपने आप क्या बन गया? 365 बन गया। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। कैसे? 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, डेसिमल इधर आ जाएगी, इधर इधर इधर, तो डेसिमल इधर आके क्या बन जाएगा? डेसिमल इधर आके बन जाएगा ये 365.0, 365.0 का मतलब क्या होता है? 365। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा।
और इस साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दिख रहा है मुझे 2 0 है, तो इधर भी डेसिमल कितने डिजिट बार शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट बार शिफ्ट हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 पॉइंट नहीं आएगा, 182 पॉइंट, यहाँ आएगा 0.5, ये आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ 17/25 इज इक्वल टू, 17/25 का परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 17 × 4 कितना होगा, 17 × 4 = 68%। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। फिर से 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ढूंढने हैं, तो ये तो ढूंढे थे ना, पता होना चाहिए, पर वापस से बता देती हूँ। 6 × 1 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। इन सबको ऐड कर लिया हमने, प्लस 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 प्लस, तो कितना आएगा बेटा, 90 आएगा। आप बोल रहा है यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का डिफरेंस बताना है, तो ये होती है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे है 0, मतलब इकाई पे क्या है, 0। और टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस का मतलब होता है बेटा दहाई, दहाई पे क्या है बताओ, 9। इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है इन दोनों का। क्या करेंगे, 9 में से 0 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9। कितना आ गया दोनों का डिफरेंस, 9 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द गेम्स प्लेड बाय द स्टूडेंट, स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों का बताया हुआ कि कौन से बच्चे कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं, है ना। देखो यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस, कितने लोग, कितने बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं। तो देखो ये रहा टेबल टेनिस, ये रहा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये किसका है बेटा, टेबल टेनिस का ग्राफ है ये वाला, है ना। कहाँ पे जा रहा है, देखो कहाँ पे जा रहा है, 8 के पास जा रहा है। तो टेबल टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 बच्चे हैं। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस, तो 8, 8 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, देखो द एलसीएम ऑफ 114 एंड 95, दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम साथ साथ में लेते हैं, बताया था, चलो 2 से करेंगे सबसे पहले, दिख रहा है 114 इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 5 जा बचा 1, 2 7 जा 95, फिर 3 से करेंगे, 3 से 57 में जाएगा, 3 1 जा और 3 9 जा, अब किसी से नहीं जाएगा, ये सिर्फ 19 से जा सकता है, 19 1 जा 19 और 19 5 जा, फिर 5 से जाएगा तो 1 और 1, क्या क्या आया, 2 × 3 × 19 × 5, यही आया, 2 3 जा 6 और 6 5 जा क्या होता है, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, और ये 19 बचा हुआ था इसको नीचे ले आया, 19 × 3 कितना होता है, 57, और 0 और लगा दो तो 570 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे आपको एक होल नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने होल नंबर के एप्लीकेशन पढ़े होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं होल नंबर में, तो होल नंबर से आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि किस पे बेस्ड है बेटा, बॉडमास रूल पे बेस्ड है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पता है हमारे पास एक ऐसा ब्रैकेट दे रखा है, एक ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है और एक ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये मिडिल वाला सॉल्व होता है, उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला सॉल्व होता है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ये पोर्शन सॉल्व होगा, 4 - 3 ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1, तो क्या क्या आएगा, 24, यहाँ जो जैसा है वो वैसा ही वैसा रहे, और 5 - 2 और ये सॉल्व होके हो गया 1, है ना, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। अब 2 × 1 ब्रैकेट अभी भी खुला नहीं है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 × 1 क्या होता है बेटा, 2 × 1 क्या होता है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है, 3। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 6 - 3, 6 - 3 क्या होता है, 3, तो
24 + 3 क्या आ गया हमारे पास, 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना था और क्वेश्चन इजी था, 27 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 नियरेस्ट टू, 13 के 7 मल्टीपल पहले तो पता करने हैं, फिर उनका सम बोल रहा है, उनका सम किसके पास होगा नियरेस्ट टू। तो 13 के पहले 7 मल्टीपल्स पता करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91। ये है 13 के 7 मल्टीपल्स, 13 की टेबल पता होनी चाहिए थी। ठीक है, क्या क्या है मल्टीपल 13, और सम बोल रहा है तो सम करते चलो, 13 + 26 + 39 +52 + 65 + 78 + 91, इन सबको हम ऐड करते हैं बेटा तो हमारे पास आता है 364। कितना आता है हमारे पास 364। ये किसके पास है बोल रहा है, चार ऑप्शन है हमारे पास, 360 पहला है, फिर 365, फिर 370 और फिर 375। किसके पास है ज्यादा, देखो 360 के ज्यादा पास होगा क्या, नहीं, यहाँ तो चार का गैप आ रहा है, चार का गैप आ रहा है, यहाँ वन का गैप है, यहाँ छह का गैप है, यहाँ पांच का गैप है, सबसे कम गैप कहाँ है यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके सबसे ज्यादा पास होगा, 364, 365 के सबसे ज्यादा पास होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, हमने 140 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। कल हम इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक डिस्कस करने वाले हैं, डेली क्लासेस हो रही है। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, 29 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, किसी भी टाइप का आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबके साथ, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे जो वीडियोज मैं डालूंगी उससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।